वाल्मीकि समाज की ओर से राज्य स्तरीय क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का आयोजन अजमेर के लोको ग्राउंड में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 10 वाल्मीकि समाज की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का आयोजन 20 जनवरी से 24 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे। सभी मैच 2020 पर आधारित होंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ आज कबड्डी के संरक्षक श्याम जी निर्मल, पार्षद श्रवण टोनी सहित विभिन्न वाल्मीकि समाज के जन प्रतिनिधि व पदाधिकारियों द्वारा किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता करवाया जा रहा है लोको ग्राउंड के अंदर, और यहाँ अभी वाल्मीकि ऑल ओवर राजस्थान क्रिकेट टूर्नामेंट है। वाल्मीकि समाज की यहाँ अभी 10 टीमें भाग ले रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, और आज इस टूर्नामेंट का हमने उद्घाटन मैच करवाया था। उसके अंदर उद्घाटन समारोह कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के अंदर हमने श्रीमान श्याम जी चरनाल संरक्षक कबड्डी, और मुख्य अतिथि श्री शर्मन जी टोनी पार्षद साहब, ए भवानी जी जेदिया पार्षद साहब, वंदना नरवाल पार्षद पति श्री अनिल नरवाल जी को हमने यहाँ बुलाया था, और अभी उनके हाथों दीप प्रज्वलित करवा करके क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज करवाया है। अभी आज के दिन में पहले दिन में 2 मैच करवाए जाएंगे। पहला मैच माउंट आबू और अजमेर द्वारा खेला जाएगा। द्वितीय मैच चित्तौड़गढ़ एवं जोधपुर द्वारा खेला जाएगा। कितने दिन के मैच है, कब से चालू? ये 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक का टूर्नामेंट रहेगा सर।